click here to subscribe our channel and also click the bell icon and never miss the any update of our channel. Hey guys, this is your host Abhis Singh. So today I have HP 15 AC 125 TU. सो गाइस, ये बजट स्मार्ट लैपटॉप है. मैंने इसको लिया था एक मंथ पहले, जो कि 25,000 समथिंग पड़ा, बट 1 जुलाई से GST लागू हो चुका है गाइस, तो इसका प्राइस बेसिकली बढ़ चुका है. सो ये 30,000-32,000 के बीच में मिलेगा, बट काफ़ी अच्छा लैपटॉप है. तो इसका मैं फ्यूचर एंड डिटेल्स बता देता हूँ. तो आपको इसके अंदर 2 GHz कोर इंटर कोर i3 500P प्रोसेसर मिल जाएगा, 4G DDR का रैम मिल जाएगा एंड 1 TB का स्टोरेज मिल जाएगा गाइज, एंड 15.6 इंच स्क्रीन जो कि इंटेल HD ग्राफिक्स का है, एंड इसमें डॉस मिल जाएगा. तो आपको इसको ला के विंडो 7 या 10 जो भी आप प्रीफर करो इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड वेट इसका 2.9 किलोग्राम्स है. तो सो मैं गाइज इसको एक मंथ से यूज़ कर रहा हूँ. सो टुडे आई एम गोइंग टू मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या लैपटॉप है, क्या आप ले सकते हो या नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, जाते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी पे. तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको HP का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको स्क्रैचलेस दे रखा है एंड लाइनिंग के साथ, तो लैपटॉप का लुक प्रीमियम दिखाई देता है. ऐसा चीप टाइप का नहीं दिखाई देगा जो कि लेनेवो का जितने भी लैपटॉप देखने को मिलते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस. तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ मैं दिखा दे रहा हूँ, तो आपको कीबोर्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलेगा जो कि व्यूइंग एंगल है, एंड जो माउस पैड है वो भी काफ़ी अच्छा है गाइस. एंड ये जो क्वालिटी है यहाँ पे जो दे रखा है सरफेस का, वो एकदम प्रीमियम टाइप का है जो कि आपको 30-40 हज़ार के लैपटॉप में आते 40,000 के ऊपर के लैपटॉप में दिखाई देते हैं, जो कि HP वालों ने काफ़ी अच्छा काम करा है. और स्क्रीन की तरफ देख लेते हैं ऊपर की तरफ, तो स्क्रीन भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगा क्योंकि HD का ग्राफिक्स है. एंड गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इसका क्वालिटी की, जो कि क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम दे रखा है HP वालों ने. नाउ आई एम गोइंग टू बैक. सो गाइस, इसके पीछे का क्वालिटी देख लेते हैं. तो पीछे का क्वालिटी जो कि हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे काफ़ी ऊंचे स्टैंड दे रखे हैं, यहाँ पे 4 स्टैंड और ये एक यहाँ पे, तो आपको हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी जब फ्लैट सरफेस पर आप यूज करोगे. एंड यहाँ पे रहा ये बैटरी स्पेस जो कि काफ़ी कम स्पेस ले रखा है. एंड यहाँ पे गाइस स्पीकर दे रखा है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है क्योंकि जब आप फ्लैट सरफेस पर यूज करोगे तो स्पीकर मफल करेगा, सो आवाज़ थोड़ा कम आएगा एंड जो सफल करता है वो दिक्कत आएगी. एंड देख लेते हैं इसके जो इधर साइड में, तो साइड में आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे एंड 3.5 mm का जैक है और HDMI का कोड मिल जाएगा और लाइन वाईफाई का भी कोड यहाँ पे दे रखा है. इस साइड भी देख लेते हैं गाइज, तो इस साइड भी आपको एक USB का कोड मिल जाएगा और यहाँ पे अडेप्टर का एक जो बड़ा वाला अडेप्टर आता है वो भी दे रखा है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो. और ये रहा CD ड्राइव, तो CD ड्राइव भी यूज कर सकते हो. और इधर सामने की तरफ देख लेते हैं, तो सामने की तरफ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा. सो लाइट आपको यहाँ पर मिलेगा गाइस, तो यहाँ पर 3 लाइट हैं जो कि नोटिफिकेशन लाइट होते हैं. फर्स्ट वन है एक ऑन ऑफ का, दूसरा है बैटरी वाला. एंड देखते हैं ये साइड, तो ये साइड भी क्वालिटी ये जो काफ़ी अच्छा है. सो गाइस, जब इसको आप ऑनलाइन लोगे तो इसमें डॉस मिलेगा, तो आपको इसमें विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप कोई भी CD ड्राइव लेकर इंस्टॉल कर सकते हो. बट गाइस, जब आप इसको ऑफलाइन कोई मार्केट में लेने जाओगे तो विंडो के इंस्टॉल करके आपको 36,000-37,000 या 35,000 का लैपटॉप पड़ेगा. तो इससे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही ले लो और अपने से 100 या 150 का विंडो CD जाता है, आप इसको इंस्टॉल कर लो. तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा रखा है, तो मैं इसका इंटरफेस अंदर का दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड अ सेकंड. सो गाइज, मैंने इसमें विंडो 10 इंस्टॉल करा है, तो ये रहा. तो जो क्वालिटी है गाइज स्क्रीन की, वो सुपर है, आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि मेरे पास एक और लैपटॉप है जो कि लेनेवो का है, तो मैंने उसको 25,000 में लिया था करीब 2013 में. तो बट गाइज, 2013 में और एक और मैंने अभी दोस्त का मैंने लेनेवो का ही लैपटॉप 38,000 में ऑफलाइन से लिया था, तो जो उसका क्वालिटी है गाइज जो बहुत ही बेकार था एंड प्रीमियम क्वालिटी, उसमें सिर्फ डॉल्बी एटमॉस्फेयर का स्पीकर दे रखा था और कुछ नहीं था, और यही लेनेवो वाला थोड़ा चीप टाइप का लगता है. तो इसमें आपको यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी मिल जाएगा और जो कि स्पीकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि जो लेनेवो और जो काफ़ी अदर ब्रांड है वो सभी मिल जाएगा इसमें. तो सुगाज, इसका सिस्टम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या है प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पे आप जाके दिस PC में जाओगे,
कंप्यूटर में, तो यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ मैं देख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सिस्टम प्रॉपर्टी में यार गाइस प्रोसेसर इंटेल कोर का मिल जाएगा, रैम आपको मिल जाएगा 4 GB, सिस्टम जहाँ 64 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड काफ़ी विंडो 10 मैंने प्रो इंस्टॉल करा है। तो गाइस मैंने पहले ही बता चुका था एंड बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा है, 4 से 5 घंटा आराम से चल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे जो की है स्पेसिफिकेशन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बाकी सभी लैपटॉप की तरह यहाँ पे जो जो चीज़ है वो मिल जाएगी यहाँ पे। इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, मेन इसका जो गाइज है फोकस ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड जो इसमें स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं वो जो 30,000 के अंदर जितने भी लैपटॉप है सारे इसमें दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस करा गाइज एंड इसका अमेजोन पर रेटिंग भी 4 स्टार है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जाके तुरंत ये लैपटॉप को बाय करें, काफ़ी अच्छा है, गेम भी खेल सकते हो इसमें, हाई एंड गेम भी चलता है गाइस। मैंने इसमें फीफा 14-15 खेला है बट 16 नहीं खेल पाया क्योंकि थोड़ा लैग था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।